विधानसभा चुनाव 2020 के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। अपने अपने तरीके से सभी पार्टियों द्वारा क्षेत्रों में दौरा कर अपना प्रभाव काबिज करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे राजद प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व बक्सर सांसद जगदानंद सिंह ने अपने कार्यकाल 2014 में एक बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की उनके द्वारा फंडिंग की गई थी, मगर आज तक उसमें पढ़ाई शुरू नहीं की गई। अचानक किसी भी दैनिक अखबार ने राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय के भवन को जर्जर बताते हुए भवन के पिलरों को ध्वस्त होने की खबर छापी थी, जो कि देखने पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसी खबर को देखते हुए उन्होंने इस विद्यालय में आकर कई बिंदुओं पर बात करते हुए दावा किया कि ऐसे मजबूत भवन आपको बक्सर में कहीं नजर नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी चौबे को नसीहत देते हुए कहा कि पहले वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी करके दिखाएं, फिर कोई बात करें, क्योंकि उनके द्वारा तो पूर्व के राशि को भी खर्च नहीं किया गया जो बचा हुआ था। आपको बता दें कि कल बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे ने एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कांग्रेस एवं उसके सहयोगी पार्टियों को लुटेरा तथा भ्रष्टाचारी बताते हुए विवादित बयान दिया था। हम आते हैं इस हफ्ते में तो आप लोग से, आज मैं कह रहा हूँ, कोई भी हो, क्या शिक्षण संस्थाओं को बंद करके आप देश को बना लीजिएगा? यदि केवल एक सवाल का जवाब वो श्रीमंत दे सकें, यदि 5 साल में मैं 2 करोड़ रुपया बच्चियों के लिए खर्च कर सकता हूँ, तो 5 साल में आपने कितनी बच्चियों के लिए खर्च किया? और 5 साल में क्या कर लेना पूरे शिक्षण संस्थाओं के लिए, जो हमारे हाथ में 20 करोड़ रुपया है, सभी संस्थाओं पे हमने खर्च कर दिया। हम जिस दिन यहाँ से हमारा समय ख़त्म हुआ, जाने अनजाने लालमुनि चौबे जी के समय से लेकर के कुछ हमारे भी समय में जो पैसा है 2.5 करोड़ रुपया बचा था। अरे वो 2.5 करोड़ ही रुपया लगा दिए होते अपने कार्यकाल का, नहीं पूर्व के कार्यकालों का, तो शायद यहाँ 5 मंजिला मकान बन गया होता। देश आगे बढ़ेगा, गांधी का देश रहेगा ही, गांधी का देश आगे बढ़ेगा, लेकिन विश्वामित्र की नगरी की शिक्षा कब आगे बढ़ेगी, ये भी तो उनके चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैंने शिक्षा की बात की है, इस लड़कियों के स्कूल की बात की है, प्लस टू हो सके, कॉलेज भी आगे बढ़ सके, मैं इसकी बात कह रहा हूँ। अभी भी समय है, चौबे जी 2 मंजिला मकान और ऊपर जोड़ दो, लिफ्ट भी लगा दो, ताकि बक्सर वालों के लिए, आप भले कल भागलपुर चले जाइएगा, लेकिन याद करेगा कि अश्विनी चौबे जी के कार्यकाल में बेटियों को पढ़ने के लिए जो स्थान पहले से सुनिश्चित था, और अच्छा बन गया। धन्यवाद। बुलाने का कारण आप प्रेस वालों ने छाप दिया पूरे फोटो के साथ कि बच्चियों का जीवन असुरक्षित है, यहाँ के पिलर टूट रहे हैं, पिलर ढह रहे हैं, चौड़ा करने के लिए फाल्स काम यहाँ किया गया है। आप लोग शायद ये नहीं लिखे होते तो शायद हम लोग की चेतना नहीं जगी होगी। आप लोगों ने चेतना को झकझोरा और यहाँ एक एक चीज को आप देख रहे हो, और मेरी चुनौती को किसी इंजीनियर से कि 20 बक्सर में कोई भी से मजबूत फाउंडेशन के साथ कोई बिल्डिंग हो सरकार की या किसी के घर वाले की, तो आप दिखाइए। हाँ, हम यहाँ आए हैं, नया साल है, बच्चियों की पढ़ाई इसमें हो, अभिभावकों के साथ मिलकर के हम लोग ने विचार विमर्श किया, अभिभावक आप सब नागरिक जो चाहेंगे आगे आप लोग निर्णय करिए, हमारे विधायक जी में हैं, हमारे विद्यालय की शिक्षिका जो प्रधान है वो भी हैं, और यहाँ पूर्व प्रधानाध्यापिका थी वो भी हैं, सब लोग यहाँ पूरा समाज और परिवार बक्सर का बैठा हुआ है, बेटियों की शिक्षा के बारे में चिंतित होकर के उसी के बारे में आज चर्चा हुई है। कितने की सर ये एस्टिमेट थी उस समय, कितने की योजना थी? ये प्रथम था 1,30,00,000 का, और दूसरा जब एक विधान परिषद साहब से दूसरी मंजिल की बात हुआ तो जाकर के उन्होंने 50,00,000 या समथिंग दिया, तो करीब करीब 2 करोड़ के आसपास में खर्चा इसमें हुआ है।